सो गाइस दिस इज तिरुफॉल। ये इंसान भी बड़ा अजीब प्राणी है, पहले जंगल काटकर शहर बनाता है और जब शहर में शोर बढ़ जाता है तो वापस सुकून की तलाश में उसी जंगल को याद करता है। हम भी इस इंसानी फितरत से अछूते कहाँ थे, रोज़मर्रा की मोनोटोनस लाइफ स्टाइल से बोर होकर फाइनली हमें भी जंगल की याद आ ही गई और हम भी चल पड़े सुकून की तलाश में जंगल की ओर। रांची शहर से 45 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है और जंगल के बीचों बीच है खूबसूरत सा वाटरफॉल, नाम है तिरु वाटरफॉल। खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत नज़ारे और लहलहाते कांसी के फूल और उसके ऊपर मौसम की आंख में चौली, ऐसा समा बांध रहे थे मानो तिरु वाटरफॉल हमारा इंतज़ार कर रहा था। राइट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं तिरु फॉल, गाड़ी पार्क कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली स्पॉट है, नॉट लाइक पतरातू वैली की ट्रैफिक जाम हो रहा है, बिल्कुल खाली स्पेस आप देख सकते हो। बस ओनली 2 व्हीकल्स आर पार्क देयर इंक्लूडिंग माइंड एंड नीरज, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, आफ्टर सो लॉन्ग भैया के साथ राइड करने का मौका मिला और नेचर के इतने क्लोज हम लोग हैं यार। सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ते में बारिश थी बहुत ज़्यादा, जैसे ही हम लोग बुड़मू से आगे बढ़े बारिश बिल्कुल रुक गई। सो बिल्कुल वैसा माहौल है जैसा अपने को चाहिए था, मतलब वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए जैसा भी चाहिए था वो क्लाइमेट वैसा है। क्या चाहिए कार का? तो गाइस लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो थोड़ी गर्मी थी तो वाटरफॉल बिल्कुल सूख चुका था, अभी बारिश हो चुकी काफ़ी, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा वाटरफॉल होगा। आवाज़ जैसे आप सुन रहे हो वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, तो लेट्स सी आगे के व्यूज़ कैसे हैं। जैसे मैंने बोला कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं है, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई है, दो कदम चलते ही बारिश स्टार्ट हो गई और मतलब तो कैमरा भगवान भरोसा है हो गया कि फिर हम लोग भी सोचते रह गए। हाँ, बारिश थोड़ी कम है और झरने की आवाज़ आप सुन रहे हो तो झरने में पानी काफ़ी ज़्यादा है, सो आई होप व्यूज़ काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। गाइज वी आर बैक नाउ, बहुत तेज़ बारिश हुई, मौसम देखकर बिल्कुल लग नहीं रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल गॉट वेट। विशाल भी एज यू कैन सी टेकिंग बाथ इन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाटरफॉल। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग थे बट वो लोग शायद बारिश की वजह से ऊपर चले गए हैं। नाउ ओनली वी फ्यू पीपल आर देयर। हम लोग पूरी तरह से भीग चुके हैं बट वी आर ट्राइंग टू मेक 100% आउट ऑफ इट एंड एज यू कैन सी विशाल भी एज टेकिंग डीप डाइव। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है बट इट्स फन। एज यू कैन सी ब्लॉगर विस इज आउट नाउ। द मोस्ट फनी पार्ट वाज वो जींस में ही नहा चुके हैं बिल्कुल और स्विमिंग भी कर चुके हैं, ये इनकी स्विमिंग का कॉस्ट्यूम हो गई है आज से। तो अब नीरज भी नहाने के मूड में आ चुका है, मैं तो नहा ही चुका हूँ।
ये गहराई देख रहे हो, बड़ी हिम्मत करके मैं पानी में उतरा, थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है उसको यूज़ करके उतरा, पानी गहरा नहीं है तो उतर सकते आराम से। तो गाइस नीरज वहाँ पे अब रेडी हो रहा है, उसको भी नहाने का मन कर रहा है। मैं ऑलरेडी पानी में आ चुका हूँ, पानी उतना गहरा नहीं है। उस तरफ है वाटरफॉल, दिस इज तिरु वाटरफॉल। ऑलराइट गाइस, सो आई एम हैविंग सम फन इन तिरु वाटरफॉल। बारिश का टाइम है, पानी यहाँ पे भर चुका है, गर्मियों में आया था काफ़ी सूखा था, भाई बारिश की वजह से पानी आ चुका है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरे पीछे वाटरफॉल आप देख सकते हो, एंड पानी इतना गहरा है नहीं ऐसे, पानी इतना ही गहरा है। आ जा नीरज। तो मुझे देख के बहुत लोगों की हिम्मत हो गई पानी माने की। क्या गाइस ऐसा रिस्क मत लेना, मैंने रिस्क लिया है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, आप लोग ऐसे रिस्क मत लेना, अनोन प्लेस पर डुबकी मत लगाना। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी भीगे हुए थे, तो अब जब भीग गए तो सोचा कि डुबकी लगा लें। मन में बात रह जाती है कि यार वाटरफॉल में जाके डुबकी नहीं लगाई, तो डुबकी भी लगा ली, एक ख्वाहिश भी पूरी हुई। अब नीरज भी आ रहा है। सो गाइस दिस इज तिरु फॉल। तो गाइस पूरी तरह से भीग चुका हूँ, खैर मैंने एक पैर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। तो काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया तिरु फॉल में, अभी थोड़ा चलते हैं, बारिश रुक चुकी है तो भूख भी लगी है। तो नीरज क्या प्लान है आगे, और एक्सप्लोर करना है तिरु फॉल की, ऊपर चलना है? चलते हैं ऊपर, ऊपर से एक व्यू ले लेते हैं। तो ऊपर से भी जा सकते हैं, तो हम लोग अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो होपफुली ऊपर का व्यू और अच्छा हो। जूता तो पूरी तरह से भीग चुका है नीरज, तो बिना नहाए नहा चुका है, या कुदरत ने नहला दिया, कुदरत ने नहला दिया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, सब कुछ गीला हो चुका है अंदर से लेके बाहर तक, शूज़ हाथ में पहन रखे हैं मैंने, खाली पैर चल रहा हूँ। और इट वॉज़ एन एक्सपीरियंस, मज़ा आया, और रास्ते तो बहुत ही अच्छे हैं, आप कम आ सकते हो यहाँ पे। अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर तक, असली कार्डियो तो अभी होने वाला है, अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर तक हमें। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग तिरु फॉल से नीचे से ऊपर आ चुके हैं, अभी हम लोग उसका टॉप व्यू पे जा रहे हैं जहाँ से पानी गिरता है। और नीरज ने राइड को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, आज का व्लॉग आधा क्रेडिट नीरज को जाता है क्योंकि अपना प्लान बहुत रैंडम था, और नीरज के कोऑपरेशन की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया है। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जर्नी और बहुत मज़ा आया, मस्ट विजिट प्लेस। एक चीज़ जो मैं हर पिकनिक टूरिस्ट स्पॉट पे जाके बोलता हूँ झारखंड में, कि यार गंदगी मत मचाया करो यार, इतनी गंदगी हर जगह लोग करते रहते हैं। अच्छा सा अच्छा प्लेस है बट उसको मेंटेन नहीं रखना, प्लास्टिक की बॉटल, बियर की बॉटल, चिप्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे फेंका हुआ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ, देखो वाटरफॉल में नीचे भी काफ़ी कुछ था। होप सो, अच्छा इधर ही है। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं तिरु फॉल का, जो नदी वाला एरिया जहाँ से नदी आगे चल के वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, सो हम लोग उस एरिया पे आ चुके हैं। थोड़ा रिस्की है, ये जो पॉइंट है आगे चल के वाटरफॉल बन जाता है, और आगे जाना मुझे सेफ नहीं लगा क्योंकि ना ही तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं चट्टानों पर पहाड़ों पे इजीली उछल कूद कर सकूं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। जो रिस्क ले रहे हैं उसको पूछें, रिस्क लेने वाले लोग जो लोकलाइट्स हैं यहाँ पर, अभी आओ तो रिस्क मत लो अगर आप इस प्लेस पर न्यू हो, क्योंकि बारिश का टाइम है, स्लिप होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ब्लॉगर विश VISH रोशन, रोशन साल को मैसेज करना।
तो गाइस ये यहाँ पे हाल है, देख रहे गंदगी, नेचुरल प्लेस पे गंदगी। सेलिब्रेशन हुआ है यहाँ पे, कब तक गाइस ग्रो अप, अपना ही प्लेस है यार, क्यों गंदा कर रहे हो, आओ पार्टी करो, एंजॉय करो, बट कचरा लेके जाओ, कचरा साफ करो। कौन साफ करने आएगा यहाँ पे। तिरुफॉल एक्सप्लोर कर लिया हमने पूरी तरह से, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट तो डाल ही देना। और अभी हम लोग जा रहे हैं, भूख लगी बहुत ज़बरदस्त, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले सुबह, अभी बज रहे 3, कुछ खाना वाना खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि आप जब भी यहाँ पे आओ तो अपना कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे खाने का ऑप्शन नहीं है कुछ ऊपर में वाटरफॉल पे, आसपास कोई होटल भी इतना नज़दीक में नहीं है, तो एटलीस्ट पानी का बॉटल और कुछ खाने का सामान आप लेके आ सकते हो। अगर आप तिरु वाटरफॉल आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बजरंगी ढाबा है, खाना का टेस्ट हम अभी टेस्ट करने वाले हैं, फीडबैक देंगे उसके बाद, बट एम्बियंस बहुत अच्छा है, लोकल एम्बियंस, लोकल ढाबा, लोकल टेस्ट, गो फॉर इट। ऑलराइट गाइस, तो खाना वाना बिल्कुल हो चुका है और आई मस्ट से द फूड वॉज टू यम। अभी चाय आने वाला है, नीरज आस्क्ड फॉर टी, चाय पियेंगे उसके बाद यहाँ से पास से मेरे नानी घर है वहाँ जाएंगे वापस घर। तो गाइस इट्स टाइम टू से बाय टू दिस प्लेस, डू चेक आउट दिस प्लेस, बजरंगी ढाबा, खाना बहुत ही अच्छा है, हमने खाना से लेके चाय वाय सब कुछ ट्राई कर लिया एंड इट्स अ ढाबा, टेस्ट बहुत ही अच्छा है खाने का एंड अभी चलते हैं, शाम के बज रहे 5, चलते हैं यहाँ से। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।